मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग पीछे बैठे उससे चाहे आगे बैठे, आगे भी है बैठे तो बच्चे डाल दीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब कोई कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहायस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरः निर्लाशस्य अवस्थासु जीवन मुक्त समुच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसके अहंकार उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं श्री कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। वह श्री कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। ओम अज्ञानिनाशय ज्ञानांजनाशाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सर्वनाथनाथानिगमं चैव सावदैतं सावदूतं वल्लीनाथसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वनाथनिगमं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। प्राप्त कांच गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पद्रुमेश कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमाशक्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
प्रभुपाद की जय। कालेन मनसा बुद्ध्या केवलैर्नित्येरभिः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धैः। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा पद्म पत्र इमाम बसा, सबको याद है पद्म पत्र का चर्चा हमने किया ना, कमल पुष्प का पत्र जो होता है कैसे जल को स्पर्श नहीं करता है और जल में रहता है, जल में रहते हुए भी वो कीचड़ को या उस जल को स्पर्श नहीं करता है। जल का स्तर चाहे कितना भी बढ़े वो अपना स्तर और बढ़ाता है परंतु उसमें डूबता नहीं, उसको स्पर्श नहीं होने देता है ना। ये सब चर्चा हमने पूर्व के समय में की है। सो इस बात को जब पिछले शनिवार को अर्जुन ने सुना 5.10, तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई, एक संशय हुआ कि वो सोचने लगा कि जो भक्तगण होते हैं वो भक्तगण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए, किसके लिए कर्म करते हुए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए पाप में लिप्त नहीं होते। ये बात समझ आई है ना पिछले श्लोक में, अर्जुन भी समझे, अर्जुन ये समझे कि भक्ति करते हुए जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं होता। यहां तक ठीक है, परंतु अर्जुन अब इसमें सोचने लगे पिछले शनिवार से, वो ये सोचने लगे कि श्री कृष्ण के लिए मैं कर्म तो कर लूंगा, श्री कृष्ण के लिए मैं युद्ध तो कर लूंगा, क्योंकि युद्ध तो मुझे शरीर से करना है, तो श्री कृष्ण के लिए शरीर से तो मैं कर्म कर लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि वो युद्ध में वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म में मैं अपना मन कैसे लगाऊं। प्रॉब्लम ये है कर्म तो कर लूंगा लेकिन वो कर्म में मन कैसे लगेगा, दैट इज द प्रॉब्लम, कर्म में मन कैसे लगाऊं। बरोबर है ना, दो बातें होती है, एक होता है गोल, दूसरा होता है इंटरेस्ट। पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा की है, गोल और इंटरेस्ट। जो हमारा गोल है उसके अनुसार ही यदि इंटरेस्ट है, गोल के ही अनुसार यदि हमारा इंटरेस्ट है तो क्या होगा, गोल आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वो जो गोल प्राप्त हो जाएगा तो उसमें संतुष्टि होगी। क्यों, क्योंकि गोल और इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। मान लो गोल कुछ और है इंटरेस्ट कुछ और है, जैसा पूर्व में हमने कहा था गोल है भक्ति और इंटरेस्ट है माया, माया गोल है भक्ति और इंटरेस्ट है माया, तो क्या हो जाएगा, पूरा जीवन जंबल हो जाएगा, झिकझैक हो जाएगा, है ना, फुटबॉल के जैसे इधर से उधर, उधर से इधर से उधर हो जाएगा। सो जो गोल है वो गोल के अनुसार ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अर्जुन वही तो बात इस श्लोक में, भगवान की प्रसन्नता ये गोल है और उसके लिए मैं कर्म करूंगा, युद्ध करूंगा, शरीर से युद्ध करना होता है, शरीर से करूंगा परंतु मेरे मन का क्या, मन तो पूरा भरा पड़ा हुआ है भिन्न भिन्न विचारों से, भिन्न भिन्न आवेगों से, बहुत सारे एंग्जाइटीज मन में पड़ी हुई है, बहुत सारे विचार मन में पड़े हुए। जब भी अकेला रहता हूं तो विचारों से ग्रस्त होता हूं, और जब भी बहुत सारे लोगों में भी रहता हूं तब भी अकेले अनुभव करता हूं। क्यों, क्योंकि मन भीड़ में होते हुए भी अकेले का अनुभव होता है, अकेले पर का अनुभव होता है, और अकेले होते हैं तब तो होता ही होता है,
भीड़ में होते हैं तब भी अकेले, इसका कारण क्या है? मन, मन सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते बहुत सारे आवेग होते हैं उसके विषय में सोचते रहता है, बहुत सारी चिंताएं होती है उसके विषय में सोचते रहता है, बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है उसके विषय में भी सोचते रहता है, सोचते ही रहता है। इसलिए योग शास्त्र कहता है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो जो लाइफ एनर्जी है, जीवन शक्ति है ना, हमारे पूरे पर्सनालिटी में लाइफ एनर्जी एक्टिवेट है, लाइफ एनर्जी प्रवाहित हो रही है, जीवन शक्ति हमारे पूरे पर्सनालिटी में प्रवाहित हो रही है। परंतु जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो सोचते रहने से क्या होता है, वो जो जीवन शक्ति है वो लीकेज हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? लीकेज। वो जीवन शक्ति मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सोच के माध्यम से क्या हो जाती है, लीकेज होती जाती है, निकल जाती है। और फिर हमको अनुभव होता है क्या, वीकनेस, हमको बहुत थका हुआ लगता है, हमको बहुत डिप्रेस्ड लगता है, हमको फ्रस्ट्रेटेड लगता है, अकेलापन लगता है, चिंता लगती है, बहुत सारे दुखों का हिमालय हमारे सामने आ गया है, ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि जो लाइफ एनर्जी है वो क्या हो गई, लीकेज हो गई, चली गई, निकल गई। क्यों क्यों निकल गई? सोच रहे, सोच रहे, सोच, एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे। तो भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग करने से वो जो लीकेज है वो सील हो जाता है। क्या हो जाता है? जो लीकेज है जिसमें से लाइफ एनर्जी मूव आउट हो रही है, निकलती जा रही है, क्षीण हो रही है, वीक हो रही है, वो जो लाइफ एनर्जी का जो लीकेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं। यहाँ अर्जुन अपनी वही समस्या बता रहे हैं। अर्जुन बोल रहे, युद्ध तो मैं कर लू लेकिन मेरी पूरी लाइफ एनर्जी लीकेज हो रही है क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या है, ये तो मेरे अपने ही हिसाब से मैं कैसे युद्ध करूं, बहुत सारी बातें हैं मन में चल रही है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, मैं मन को कैसे लगाऊं, अपने एक्शन में मन को कैसे लगाऊं, अपने कर्मों में 100% कैसे दूं। What is the art of concentration? है ना? आप तो पूछ रहे हैं, कि concentrate कैसे हो? बता, मेरे शरीर के साथ मेरा मन कैसे रहूं? कैसे मैं concentrate करूं मेरे action में? कैसे मैं 100% दूं? मैं नहीं दे पाता हूं कि मेरा मन ऐसा है, नहीं लगता है, मेरे मन में चिंताएं हैं, मेरे मन में विचार हैं, है ना? और कुछ भी नहीं है तो मेरे मन में entertainment का आसक्ति है, मनोरंजन की आसक्ति है, मुझे हर आधे घंटे में बोर होता है कुछ भी कर्म मैं करता हूं तो आधे घंटे तक अच्छा लगता है, 31 मिनट में उसमें निरस होने लगता हूं, बोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन में मनोरंजन का भाव चल रहा है, एंटरटेन, तो ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता है। और फिर इससे कर्म कैसे होगा, सक्सेसफुल कर्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट गिविंग माई 100%, मैं 100% प्रेजेंट नहीं हूं, तो यश कैसे मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। सो और अर्जुन ये भी सोच रहे कि मेरा मन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता, शरीर से तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तियों भी कर्म करता है, चलो मैं भी कर्म कर दूंगा, परंतु मेरा मन तो युद्ध ही नहीं करना चाहता। कई बार हम अपने जीवन में देखते जो भी कर्म में हम लगे हुए हैं वो कर्म से, वो जॉब से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं होती, तो हमारा मन तो कर्म करना ही नहीं चाहता है। जब भी सुबह जाता है उसके ऑफिस में तो वो बहुत इरिटेशन के साथ जाता है, वो कर्म करना ही नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे मेरा मन तो युद्ध में, युद्ध तो मेरा मन करना ही नहीं चाहता है, व्हाट टू डू, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में मैं केवल
शरीर से युद्ध कर सकता हूं, परंतु यदि मैं केवल शरीर से इस प्रकार से युद्ध करता रहूंगा तो मेरा मन तो मेरे लिए भार बन के रहेगा, क्यों? ये तो मेरे ऊपर एक प्रकार का बर्डन हो जाएगा, मेरा मन भार हो जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, वो विपरीत कार्य करेगा और फिर मुझे बार बार बोलेगा भाई क्यों युद्ध कर रहे हैं, जैसा हमारा मन बोलता है क्यों ये जॉब कर रहे हैं, छोड़ दो दूसरा जाओ। ऐसे अर्जुन सोच रहे, मुझे कहेगा मेरा मन कि मैं क्यों युद्ध कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन, मत करो युद्ध, मत करो युद्ध, मत करो युद्ध। मन का एक विशेष बात ध्यान में रखिए, मन की विशेष बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी धोखादायक बात है, क्योंकि मन का ऐसा स्वभाव होता है ना, वो हमको हर वो बात करने के लिए कन्विंस करता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमको हाइयर लेवल पे ले जा सकती है। ऐसी कोई भी बात हमको करने के लिए मन क्या करता है, मन कहता है कि मत करो, अपोज करता है। जो भी बात हमारे लिए फेवरेबल है, जो भी बात हमको अपग्रेड करती है, उच्च स्तर पे ले जाती है, कोई भी बात, वो बात कैसे अच्छी नहीं, ये कन्विंस करने का काम बनता है। जरा सी बारिश आ गई कि मन बोलेगा एग्जैक्टली आज मुझे बहुत तेज बारिश आने वाली है, कोई जाने की जरूरत नहीं है समझ गए, कन्विंस करेगा आपको, और बीच में एक जोर से बिजली का आवाज आ गया तो फिर तो मन तो हमको कन्विंस कर देगा, डोंट गो। कोई भी अपग्रेड करने वाली कोई भी बात, किसी ने कोई व्रत किया, मान लो किसी ने चतुर्मास का व्रत किया, चार महीने का कोई तप साधना का एडिशन, मान लो किसी ने उपवास का शाम को नहीं खाने का व्रत कर लिया, तो मन हमको बरोबर कुछ ना कुछ काम निकाल के खाऊगल्ली की ओर लेके जाएगा, वो अपग्रेड नहीं होने देगा, वो कन्विंस करेगा डोंट डू दिस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, दिस इज व्हाट आवर माइंड डज, ये मन का। अर्जुन ये जानते हैं, अर्जुन तो विद्वान है, तो अर्जुन तो बोल रहे हैं कि ये यदि मन मेरा नहीं लगेगा युद्ध में तो वो बोझ बन जाएगा और मुझे उल्टा लेके जाएगा, बोले क्यों युद्ध कर रहे हैं, जैसा हमारा मन बोले क्यों तप कर रहे हो, क्यों साधना कर रहे हो, क्यों तपस्या कर रहे हो, क्यों जप कर रहे हो, क्यों दो तीन घंटा वेस्ट कर, ये सब मन बोलते रहते हैं। तो अर्जुन जानते थे, इसलिए अर्जुन ने सोचे अब भगवान अंदर ही आते हैं, भगवान हमारे हृदय में जो भी कुछ चल रहा है सब जानते हैं, किसके किसके हृदय में क्या क्या चल रहा है, किसके किसके मन में कौन सी बातें हैं, वो भगवान जानते हैं, अंदर ही आते हैं, अर्जुन के मन की बात भी भगवान जानते हैं, भगवान अंदर ही आते हैं। और जब अर्जुन के मन की ये बात भगवान जान गए तब भगवान ने ये श्लोक बोला अर्जुन को उत्तर देने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए। श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, भगवान श्लोक में बोलते हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पहले श्लोक को समझकर अर्जुन के मन में यह हुआ था कि केवल शरीर से ही कर्म करते हैं यहां, ऐसे उनको लगा था, तो इसलिए उसको क्लियर करने के लिए भगवान ने कहा नहीं, कैसे कर्म करते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, ऐसे ये लोग कर्म करते हैं। कौन लोग, योगी लोग, भक्त लोग, है ना, भक्ति योग वाले, कर्म योग वाले सब लोग इस प्रकार से कर्म करते हैं। और उसके पीछे उनका तात्पर्य क्या होता है, ऐसे कर्म करने के पीछे केवल शुद्धि, ओनली प्यूरिफिकेशन, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे कर्मों से हमारा शुद्धिकरण हो जाए, हमारे कर्म ऐसे कदापि नहीं होना चाहिए कि जो हमको बंधन में डाल दे जाए, बंधन युक्त कर्म नहीं होने चाहिए, बंधन मुक्त कर्म होने चाहिए। सो भगवान यही बात समझा रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति कर्म करेगा तो संग संग त्यक्त्वा, संग अर्थात इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाएगा, उसके साथ वो उसके साथ आसक्ति नहीं रहेगी किसी भी प्रकार,
ये संग तत्व पिछले श्लोक में भी था, संग तत्व इस श्लोक में भी है। इस श्लोक में संग तत्व का अर्थ लिया गया है आसक्ति रहित, आसक्ति का संग त्याग, अटैचमेंट को छोड़ दो, ऐसा उसका इसका अर्थ इस श्लोक में है। सो पहला जो शब्द प्रयोग हुआ है इसमें कायेन, श्लोक में पहला शब्द क्या है कायेन, फिर दूसरा शब्द है मनसा, फिर तीसरा शब्द है बुद्धिया, और फिर चौथा शब्द है केवल 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 ही इंद्रिय, शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय। तो यहां पे जो पहला शब्द है कायेन, कायेन अर्थात काया, काया का अर्थात इंद्रियों के शरीर के द्वारा, काया अर्थात शरीर, शरीर के द्वारा, क्या शरीर के द्वारा, तो भगवान कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति का प्रारंभ शरीर से ही होता है, होता है भक्ति अर्थात क्या स्वर्ग, भक्ति अर्थात शरण शरणागति, भक्ति अर्थात शुद्धता। तो शुरुआत कैसे हो सकती, समर्पण, पहले हमारे सारी क्रियाओं का समर्पण करना होगा, अर्थात शरीर, क्रिया कौन करता है शरीर, मंदिर में दर्शन के लिए आना है तो शरीर से आना पड़ेगा, भगवान का जो प्रसाद हमको प्राप्त होता है यदि वो प्रसाद को पाना है तो केवल मन से पाएंगे तो चलेगा। अभी हम यहाँ पे बोर्ड में प्रोजेक्टर से बहुत सुंदर ऐसा एक प्लेट का पिक्चर निकाल दिया, उसमें चप्पल भोग का फोटो निकालते हैं और भगवान और आपको कहते हैं ये प्रसाद है, अब इसको पाई मन से पाई चलेगा, मन से पाई नहीं चलेगा, प्रसाद तो हमको शरीर से ही पाना है, मन से पाने से संतुष्टि नहीं होगी तो पिक्चर से काम नहीं चलेगा। सो इसलिए शरीर से भक्ति की शुरुआत, शरीर से ही शुरुआत होती है, भगवान का नाम जप करने के लिए जीवा चाहिए, भगवान के नाम का नाम जप का श्रवण करने के लिए कान चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जीवा चाहिए। तो इस प्रकार से शरीर से ही भक्ति की शुरुआत होती है। अब ये शरीर को भक्ति में लगाना होगा, ये शरीर को योगी जन क्या करते हैं, भक्त जन क्या करते हैं, भक्ति योगी लोग क्या करते हैं, इस शरीर को भक्ति में लगाते हैं। अब कई बार ये शरीर भक्ति में या भक्ति में सेवा में लगने के लिए तैयार नहीं रहता है, आलसी रहता है, कई बार लेजीनेस है ना, ये बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का, आलस मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, इच्छा होती है परंतु फिर भी शरीर सेवा में लगना नहीं चाहता है। तो इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला है, योगी जन भक्त जन क्या करते हैं, वो योगी जन भक्त जन कैसे शरीर को सेवा में लगाते हैं, तो सिंपल है, सिंपल क्या है, जो परंपरा में गुरु परंपरा में जो आदेश हमको मिलते हैं उसको सीधे तरीके से सरलता से फॉलो करो, जो शास्त्र के द्वारा हमको आज्ञा हुई है, जो गुरु परंपरा के द्वारा आदेश हुए हैं उसको फॉलो करो, बस शरीर को अपने आप सेवा करनी पड़ेगी। एक ही फॉर्मूला बना, क्या फॉलोअर बन गया, शरणागत बन गया, गुरु परंपरा के द्वारा, साधुओं के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो आदेश दिए ऐसा आप हमको वो आदेश को पालन करना ही है, जब हमको ये करना ही है ये बात हो जाएगी, निश्चित हो जाएगा तो शरीर अपने आप कल सुबह जल्दी उठेगा, स्नान करेगा, जोनी माला लेगा, जप करेगा, क्योंकि क्या हो गया वो कंपल्सरी आदेश का पालन किया, तो शरीर अपने आप सेवा में लगेगा। तो कभी कभी इनिशियल शुरुआत में रुचि नहीं होती है, प्रारंभ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है सेवा में, भक्ति में, कर्मयोग में, अच्छा इतना इंटरेस्ट नहीं होता है इनिशियल, ऐसा होता है कई बार,
एक बार मंदिर में आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, एक बार आते हैं, दो बार नहीं आते, चार बार नहीं आते, फिर दो बार आते हैं, दो बार नहीं आते, फिर तीन बार आते हैं, एक बार नहीं आते, फिर चार सैटरडे आते हैं ऐसा होता है, फिर कंटिन्यूस सैटरडे आते हैं। पर तो इनिशियली क्या होता है, चार शनिवार में से एक ही शनिवार आते हैं, वो एक ही शनिवार आते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ कभी आए तो आए नहीं तो नहीं आते, फिर तीसरे महीने में एक खास शनिवार आते हैं, फिर चौथे महीने में दो शनिवार आते हैं, फिर दो ही शनिवार चलता है, फिर कभी और एक मिस हो जाता है, फिर सातवें आठवें शनिवार पे सातवें आठवें महीने में तीन शनिवार आते हैं, फिर जब एक साल होता है तो चारों के चारों शनिवार आना शुरू। तो इनिशियली शुरुआत को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, फिर धीरे 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 हम फिर भी यदि आते रहे, आलस भी हो गया, मान लो आलसी भी हो गए, शरीर मनाई भी कर रहे, तब भी आ गए, क्योंकि भगवान का आदेश है, गुरु परंपरा का आदेश है, साधुगण साधुगण जो है संतगण हो गए थे, आचार्यगण कहते हैं जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो चलो इस भाव से भी आते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शरीर को भी भक्ति में सेवा करने का एक प्रकार का संस्कार हो जाता है। तो यहां भगवान समझा रहे हैं जो योगी जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो शरीर से भी कर्म करते था, वो शरीर को भी योग्य दिशा में सेवा में लगा देते भगवान की प्रसन्नता के धीरे धीरे। सो दूसरा शब्द आया है मनसा, मनसा में क्या अर्थ होता है, भक्तगण मन के द्वारा भी कर्म करते हैं। पहला शब्द क्या हुआ, शरीर, तो शरीर था, भगवान कह रहे भक्तगण शरीर के द्वारा, शरीर आलसी हुआ तो भी कर्म करते हैं, शरीर आलसी हुआ तो भी कर्म करते हैं। जैसे मान लो प्रारंभ में जप करने में रुचि नहीं रहती, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रहती शुरुआत, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कोई करता है, ये करता है, वो करता है, हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे भक्तगण, सीनियर्स, वैष्णव, साधु, गुरु, जबरदस्ती कितना वाला जब हुआ, कितना वाला जब, चलो भेजो देखिए कितना वाला जब, जबरदस्ती 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 कर लीजिए, करो करो करो, ऐसा होता है शुरुआत शरीर से। पर जब करने लगते धीरे धीरे झिकझैक जब होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल जब, झिकझैक जब, कभी इतना कभी कुछ नहीं, कभी इतना कभी कुछ नहीं, ऐसे चलते रहते, परंतु कुछ समय के बाद फिर जब नहीं किया तो उदासीन लगता है, ऐसे लगता है जब करना चाहिए, तो जब करने लगता है। तो इसी प्रकार से मन का भी, भगवान कह रहे हैं जिस समय भक्त शरीर अथवा वाणी के द्वारा सेवा करते हुए मन को शुद्ध कर लेता है, उस समय वह अपने मन को भी सम्मिलित करता है। अब इस प्रकार से शरीर से सेवा कर रहे हैं, शरीर से सेवा हो रही, शरीर से सेवा हो रही हो रही हो रही, बहुत सारे भक्तों का संग हो रहा है, लेकिन संग हो रहा है सेवा हो रही, संग हो रहा है सेवा, तो उसका प्रभाव थोड़ा वाणी में भी होता है। तो हम ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वाणी में भी थोड़ा प्रभाव होता है। अब सेवा हो रही, शरीर शुद्ध हो रहा है, शरीर शुद्ध हो रहा है, होते होते वाणी शुद्ध हो रही, वाणी शुद्ध हो रही, अब शरीर और वाणी शुद्ध होते होते ये दोनों क्या करते हैं, मन को भी खींच लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर इतना इंपैक्ट हो जाता है कि वो मन कभी इधर उधर दौड़ता भी तो बता रहे नहीं आज शनिवार है जाने चाहिए, बाकी काम बाद में है ना, कौन बोलता है मन, तो शरीर और वाणी क्या करते हैं, मन को भी सेवा में सम्मिलित कर लेते हैं। इस प्रकार से आगे जाके कहेंगे अभ्यास योगे न कमते, अभ्यास योगे मतलब प्रैक्टिस, शरीर से प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, मन कैसा भी होने दो, शरीर कैसा भी आलसी होने दो, कर प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो, तो शरीर को एक प्रकार की आदत लग जाए, और शरीर को आदत लगते लगते शरीर फिर क्या करेगा, मन को अपने सेवा में सम्मिलित कर लेगा, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए मन को इंक्लूड कर लेगा शरीर,
तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक जीवन में डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन होना चाहिए जीवन में, है ना, शिस्त होनी चाहिए जीवन में, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना शिस्त के कुछ भी हम जीवन में पा नहीं सकते। हमारे जीवन में जो हमारे उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। अस्त व्यस्त जीवन, अस्त व्यस्त जीवन रूपी रथ खाई में जाके गिर जाता है। हमारा जीवन यदि हमने अस्त व्यस्त कर दिया, कभी भी कुछ भी करे, कभी भी खाए, कभी भी सोए, कुछ भी करे, तो वो जीवन रूपी रथ खाई में चला जाता है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है। उसका जो गोल है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसके प्रति समर्पित नहीं है, कमिटेड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कमिटमेंट देता है, समर्पित रहता है, तो वो व्यक्ति निश्चित ही अनुशासन का पालन करता है, वो अनुशासित रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है। आप देखिए, आपने आपके कंपनी को या आपके बिजनेस को कमिटमेंट दिया है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, नहीं करते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसमें कमिटमेंट है, इसलिए उसमें आपकी डिसिप्लिन है। सो उसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी कमिटमेंट चाहिए। और भगवान बोल रहे, जो भक्त होते हैं वो कमिटेड होते हैं, दे हैव कमिटमेंट, दे आर डिसिप्लिन, वो समर्पित होते हैं, और इसलिए वो शिस्तबद्ध रहते, अनुशासन करते, नियम का पालन करते। बिना नियम का पालन करे हुए यदि व्यक्ति जीवन जीता है तो वो मनुष्य का जीवन नहीं कहलाता है, वो पशु का जीवन कहलाता है। पशु पक्षी जो होते हैं, इनके जीवन में कोई नियम होता है क्या, बताइए? इनके जीवन में कोई डिसिप्लिन होता है क्या? नहीं ना, मनुष्य के जीवन में डिसिप्लिन होता है। सो डिसिप्लिन इसमें कि हमारे जीवन को अपग्रेड करने के लिए। देखो, दूसरे प्रकार के भी डिसिप्लिन होते हैं। कुछ कुछ लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि रोज शाम को 7 बजे ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। मिनिमल डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन नहीं है। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? जिससे अपग्रेडेशन होता है। तो इस प्रकार से शरीर जब इस प्रकार से डिसिप्लिन हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो मन को भी सम्मिलित कर देता है। कई लोगों को समस्या होती है, मन मानता नहीं, मन लगता नहीं, मन कॉन्सेंट्रेट होता नहीं, मन स्टेबल होता नहीं, मन स्थिर होता नहीं, मन अशांत रहता है, मन अस्थिर रहता है, मन बहुत चंचल है, मन दुखी रहता है, मन डिप्रेस रहता है, मन में टेंशन है। कितना अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है मन की। Don't try to solve all mental problems. ये सारे मानसिक problems को solve करने जाएंगे तो कितने तो जीवन बीत जाएंगे पर solve नहीं होंगे। शुरुआत क्या करें? First of all, शरीर को एक discipline में डाल दीजिए, एक शिस्त, एक अनुशासन बना दीजिए। पेपर पे लिख लीजिए, ये करना है, वो करना है, बस मन कुछ भी कर दे, मन कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कहने दो, don't follow mind. So, इस प्रकार से जब शरीर डिसिप्लिन हो जाता है, खाने का डिसिप्लिन, सबसे पहले क्या खाए, क्या नहीं खाए, कैसे खाए, कैसा खाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरे दो बार ब्रेकफास्ट, दो बार मील्स हम जो लेते हैं, चारों के चारों, यदि हम जानवर के जैसे खाते होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। जानवर कैसे खाते? कभी जानवर बैठ के नहीं खाते, कहीं भी जान मिल गया तुरंत सब डाल देते, खड़े खड़े फटाफट खाओ। तो एक बार आप दिन में ऐसा खा सकते हैं यदि आपको इमरजेंसी है, तो मैक्स टू मैक्स दो बार खा सकते हैं, पर एटलीस्ट दो बार आराम से बैठ के शांति से भगवान को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि जो भी कुछ अन्न है वो तो भगवान ने बनाया है, उनकी कृपा से हम तक पहुंच गया, हमको मिल रहा है। तो कृतज्ञता के भाव से हमारे जीवन में हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं उसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता के भाव से।
कृतज्ञता के भाव से हम प्रसाद पाए, कृतज्ञता के भाव से हम कर्म करें, कृतज्ञता के भाव से सोए, सोने के लिए जाते हैं भगवान को धन्यवाद दीजिए, हर एक रिएक्शन। तो उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे शरीर को डिसिप्लिन होगा, शरीर का एक नियम लगेगा, एक शिस्त होगी, तो मन भी धीरे धीरे कन्विंस हो जाएगा, वो फिर प्रयास भी नहीं करेगा, बोलेगा ये तो बहुत पक्का हो गया। ये तो अभी सैटरडे को शनिवार के सत्संग के विषय में है, इसको कितना भी डेविएट करो, कितना भी बारिश का बहाना बनाओ, कोई भी बहाना बनाओ, ये तो बांधने वाला नहीं, ये तो माइंड सरेंडर हो जाता है। ठीक है, जाकर माइंड फेवरेबल होता है, पहले सरेंडर होता है, फिर फेवरेबल होता है, फिर नेक्स्ट शनिवार को ऐसा लगा कि अरे हम तो खैर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, कोई घर पे गेस्ट आ गए हैं, तो माइंड ही हमको आइडिया बताएगा सत्संग में जाने का, वो फेवरेबल बनेगा। तो इसलिए शरीर को डिसिप्लिन करके माइंड को भी हम उस सेवा में लगा सकते हैं, ऐसे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्या, कायेन मनसा। तो जैसे जैसे इनिशियली जप में मन नहीं लगता है, हम जप फिर जबरदस्ती जप करते हैं, जबरदस्ती करते 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 फिर एक दिन हमको जप में रुचि आने लगती है, विदाउट जप वी कैन नॉट लिव, जप में हमको रुचि आने लगती है, इसका अर्थ क्या है, मन भी सेवा में आने लगा। जब रुचि आने लगी आध्यात्मिक सेवाओं में, तो उसका अर्थ क्या है, अब मन भी सेवा में आने लगा, अब सम्मिलित हो गया। तीसरा शब्द है बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा। अब जब शरीर को डिसिप्लिन लग गई, शरीर अनुशासित हो गया, धीरे धीरे वाणी शुद्ध हो गई, अब उसके कारण मन भी सेवा में लग गया, तो ये तीनों के तीनों फिर क्या करते हैं, बुद्धि को भी खींचते हैं, बुद्धि को भी कहते हैं कि चलो अभी सेवा का कुछ बताओ उपाय, सेवा के लिए कुछ प्लान करो। तो व्यक्ति धीरे 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 बुद्धि को सम्मिलित कर लेता है, जब बुद्धि सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यक्ति प्रचार में रुचि रखता है, व्यक्ति अध्ययन में रुचि रखता है, उसको लगता है कि मैं कुछ पढ़ू, मैं कुछ गीता का पढ़ू, कुछ भागवतम का पढ़ू, कुछ और शास्त्र पढ़ू, कुछ दिव्य ज्ञान को कहीं से प्राप्त करूं, और कुछ तो प्राप्त किया है किसी को बोलूं, मैं शनिवार के सत्संग का लाभ ले रहा हूं, और 10 लोगों को लाभ प्रदान करूं और लेके जाऊं साथ में। जब व्यक्ति ऐसे सब सोचता है तो इसका अर्थ क्या है, अब बुद्धि भी भगवान की सेवा में सम्मिलित है ना, बुद्धि भी सम्मिलित हो गई। और फिर से एक बार कहता हूं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में कि जो भक्त होते हैं उनका शरीर वाणी मन और बुद्धि ये क्या होते हैं, भक्ति स्मृति में सेवा में सम्मिलित रहते हैं। चौथा शब्द है केवल इंद्रिय अपि, केवल इंद्रियों के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय भक्त शरीर के साथ मन, मन के साथ बुद्धि को भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सम्मिलित कर लेता है, जोड़ लेता है भगवान की सेवा में, किसको किसको जोड़ लेता है, शरीर मन और बुद्धि को जोड़ लेता है, तो उस समय उसकी इंद्रिया इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो केवल और केवल इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की सेवा कर लेता है, केवल और केवल इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की सेवा कर लेता है। अब उस समय क्या होता है, उस समय वो भक्त का शरीर रहता ही नहीं है, वो केवल इंद्रियों से सेवा कर लेता है। कब कब, जब शरीर मन बुद्धि इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता में लगे, आध्यात्मिक सेवाओं में लग जाती है ना, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करती है, जो अध्ययन किया है गोपाल जी की आज्ञा के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता, दूसरों को बताते हैं,
उस व्यक्ति की इंद्रिया शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो भगवान की सेवा केवल अपनी इंद्रियाओं से करता है, वो शरीर की सेवा करने की उसको आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। अब हम थोड़ा सा भेद इस पे यदि करें तो शरीर और इंद्रिया इसको कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देके बताता हूं, आंख और दृष्टि, आंख और दृष्टि, इसमें इंद्रिया कौन है और शरीर कौन है? दृष्टि इंद्रिया है। कान और श्रवण, कान शरीर है, श्रवण इंद्रिया है। नाक और सुगंध, सुगंध इंद्रिया है, गंध इंद्रिया है, घ्राण इंद्रिय बोलते हैं, घ्राण इंद्रिय इंद्रिया है, नाक शरीर। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि इंद्रिया इस प्रकार से शुद्ध हो जाती है, अर्थात दृष्टि इस प्रकार से शुद्ध हो जाती है कि बिना आंख के दर्शन हो जाता है, आंख नहीं है लेकिन दर्शन हो जाता है, बिल्व मंगल का कई उदाहरण है, बिना आंख के उनको दर्शन हो, सुंदर जी का उदाहरण, आंख ही नहीं है भगवान का दर्शन हो। So, इंद्रिया इतनी शुद्ध हो गई है कि शरीर की आवश्यकता नहीं है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, वो राधा कृष्ण के लिए राधा कृष्ण की सेवा में नित्य फुल्ली एब्सॉर्ब, पूरी तरह से तल्लीन होकर राधा कृष्ण की सेवा करते और लीला स्मरण करते रहे, राधा कृष्ण की लीला स्मरण करते, और लीला स्मरण था इस समय अब कितना बज गया है, 9 बज रहा है लगभग, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे अपने धाम में, भगवान क्या कर रहे होंगे अष्टकालीन। तो इस प्रकार से वो लीला स्मरण करते घंटों तक लीला स्मरण, और उनका इतना शुद्ध स्तर था कि वो लीला में पूरी तरह से तल्लीन हो गया और लीला में भगवान की सेवा कर ली, और लीला स्मरण में वो भगवान की सेवा में लगे। एक बार इस प्रकार से लीला स्मरण कर रहे और लीला स्मरण करते करते भगवान को दूध का भोग लगाना चाहते थे लीला में, लीला स्मरण में। तो भगवान को दूध का भोग लगाने के लिए वो लीला में स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में दूध चूल्हे पर रखा हुआ है, दूध गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो गया है, दूध उबल गया है, ऊपर आ गया तो चूल्हे का जो अग्नि है उसको मंद कर दिया है, मंद कर दिया है तो दूध जो ऊपर आ गया था वो अपनी जगह पे चला गया है। परंतु जब दूध इतना ऊपर आ गया, इतना गर्म हो गया, वो जो बर्तन है वो भी तो गर्म हुआ होगा, तो अब दूध लेके उस दूध को भोग, भगवान के लिए भोग लगाना है। तो उन्होंने वो दूध का बर्तन उठाया, दूध ग्लास में डाला और समा वो गिर गया और उनका ध्यान लग रहा है, वो ये कह रहे कि इस समय राधा कृष्ण को दूध सेवा बहुत आवश्यक है, अब मैं दूध अर्पण करूंगा, दूध का ही भोग लगाऊंगा, भगवान को दूध चाहिए इस समय, ऐसा वो मन में भाव है। और इसके पूरा लीला स्मरण हो रहा है, पूर्णधार लीला स्मरण। जब इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ, बर्तन जब गिर गया तो उनके हाथ में गिरा लीला स्मरण में, तो उनका हाथ जल गया, उनका हाथ जल गया, लेकिन वो लीला स्मरण में उनके गुरुदेव वहीं पे थे, लोकनाथ गोस्वामी, वो देख रहे हैं कैसे अपने आप हाथ जलाए,
उनका ध्यान के पश्चात लोकनाथ स्वामी उनको कहते हैं, ये कैसे हुआ? तब उनको वो एक्सटर्नल कॉन्शियस सचेत होते हैं और कहते हैं उनके गुरु महाराज को कहते हैं कि मेरे से आज सेवा करते हुए कुछ अपराध हो गया, ये गिर गया, ना तो वहां चूल्हा है, ना तो वहां आदमी है, ना तो वहां दूध है, ना वहां पे पॉट है। ऐसे ही कृष्णदास बाबा जी थे, होली के समय वो इतना तीव्र ध्यान करते थे राधा की रानी राधा कृष्ण, बहुत तीव्र ध्यान, अपने कुटिया में बैठ इतना डीप ध्यान करते थे। उस ध्यान में वो देखते थे कैसे राधा और कृष्ण होली खेल रहे, उनके साथ कैसे उनके परिकर है, कैसे उनके भक्त है, गोप सखा गोपिया सब मिलकर कैसे होली खेल रहे और उनके आश्रम के आंगन में ही खेल रहे, ऐसा वो भाव कर। और जब वो समय पूर्ण निकल जाता था, होली का समय हो जाता था, होली का जो लीला है समाप्त हो जाती थी, उस लीला के पश्चात वो बाबा जी के संपूर्ण शरीर पे कुमकुम गिरा हुआ था, पूरे शरीर पे कुमकुम। ये होता है शुद्ध इंद्रियों का स्तर। इंद्रिया जब शुद्ध हो जाती है, जो इसमें कहा गया है, जब इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तो बिना शरीर से ही सेवा हो जाती है, बिना शरीर की सेवा हो जाए। और शास्त्र में इसके कई उदाहरण है। सो हम कब हो लेकिन संभव है, ये कब संभव है? शरीर वाणी मन बुद्धि, ये क्या चाहिए? सेवा में संबद्ध चाहिए, समर्पित चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहना चाहिए, बरोबर? तब जाके इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। जब इंद्रिया इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं होता, तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। सो पांचवा शब्द इसमें आया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, अर्थात योगी लोग कर्म करते हैं। तो योगी अर्थात भक्ति योग, कौन? तो भक्ति योगी कैसे कर्म करते हैं? भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योगी मेरी प्रसन्नता के लिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर वाणी मन बुद्धि और इंद्रिया, इन सभी को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अर्जुन को पिछले श्लोक को सुनने के पश्चात थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, उनको लगा था कि हम शरीर को ही समर्पित करते हैं क्या? भगवान उस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं, जो भक्ति योगी होते हैं वो भक्ति योगी लोग अर्थात योगी जन क्या करते हैं? शरीर मन बुद्धि वाणी इंद्रिया, इन सभी को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं। अर्थात क्या? हम ऐसे कर्म करें, जो हमारे नित्य कर्म है वो नित्य कर्म ऐसे करें कि जिससे भगवान प्रसन्न रहे। भगवान को हमारा कोई भी कर्म अप्रसन्न नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात हम न करें कि जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। सो इस प्रकार से जब कर्म करते हैं तो हमारे ही कर्म हमको शुद्ध करते हैं, हमारे ही कर्म हमको शुद्ध करते हैं, अन्यथा हमारे ही कर्म हमको अशुद्ध कर देते हैं, बंधन में डाल देते हैं, कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने विशेष कर बात बताते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावना भावित होकर श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कर्मशों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य ध्यान से सुना आपने, तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के, तब वो जो भौतिक संसार में जो कर्मश है, जो हमारी परीक्षाएं है ना, भौतिक संसार में क्या है? परम परम मां हर कदम पे हर पद पे परीक्षा है, हर पद पे डिवैलिटी है, द्वंद्व है, हर पद पे कंफ्यूजन है, हर पद पे चैलेंज है।
प्रत्येक क्षण हमारा चैलेंजिंग है, बहुत सारी अशुद्धताएं, कलियुग दोषो निधि राजन, कलियुग दोषों का भंडार है, इतने सारे कर्मश है। परंतु भगवान कहते हैं जो व्यक्ति शरीर मन बुद्धि को भगवान की इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता में लगा देता है तो ये सारे कर्मश क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सारे कर्मश से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो सुपर सोल्यूशन है। नेक्स्ट छठवा शब्द है संग त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, संग त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर, पिछले श्लोक में भी था संग त्यक्त्वा, इस श्लोक में भी है संग त्यक्त्वा। We need to sacrifice something. Please keep this in mind. कभी भी जीवन में यह ना समझे कि हमको तो अपने जीवन में कुछ सैक्रिफाइस करना ही नहीं है, हमको तो सब कलेक्शन में लगे रहना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक तो हमको कलेक्ट ही करना है, चाहिए 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 चाहिए, इस चाहिए का कैसे बंद ही नहीं होता है, ये चाहिए ही चाहिए। कई बार हमको बताया गया भगवद गीता में कि संग त्यक्त्वा, हमको कुछ तो त्यागना है, कुछ तो त्यागना है, कुछ तो सैक्रिफाई करना है, रिनंशिएट, कुछ तो हमको वैराग्य होना चाहिए, टू द एक्सटेंट होना चाहिए, मस्ट है सक्सेसफुल जीवन के लिए, भौतिक जीवन को यशस्वी बनाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को यशस्वी बनाने के लिए त्याग का भाव चाहिए, सैक्रिफाई चाहिए, कुछ छोड़ो कुछ छोड़ो। इसलिए चतुर्मास जब शुरू हुआ तो पहले दिन हमने सोचा, सब भक्तों के साथ हमने चर्चा की और हमने कहा कुछ छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, चार महीने बहुत ऑस्पिशियस है, बड़े मंगल में ये सारे चार महीने पांच महीने इस बार पुरुषोत्तम मास है, तो कुछ छोड़ो, कुछ त्याग करो, कुछ छोड़ो, जितने दोष है वो हमको ही पता, मेरे दोष क्या है मुझे पता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दोष पता होते हैं, दूसरे को नहीं होता है। तो अपने स्वयं ही डिसाइड करो कि ये चार महीना पांच महीना ये मेरा जो दोष है, मैं ये जो मेरा आसक्ति है, ये जो मेरा अमुक अमुक बात है, इसको मैं छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, इसको सैक्रिफाई करता हूँ। डू दिस संग त्यक्त्वा। भक्तगण श्री कृष्ण की सेवा में आसक्ति को त्याग दे, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी आसक्ति को त्याग दे। आत्मशुद्धये, आगे कहा है आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धये अर्थात भक्तगण अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, और आत्मशुद्धि के लिए जब कर्म करते हैं तो उनका जीवन यापन होना ये बाय प्रोडक्ट है, अपने आप भूल जाता है, परंतु उनका इंटेंशन क्या है, कर्म करने के पीछे भक्तों का इंटेंशन क्या है, शुद्धिकरण, क्या है आत्मशुद्धि। और वो आत्मशुद्धि कर्म करने से कैसे होगी, तो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी तब। सो आत्मशुद्धि, सेवा के बहुत भिन्न 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 प्रकार के स्तर है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर पे भिन्न भिन्न प्रकार की शुद्धता हमको प्राप्त होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर पे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शुद्धता प्राप्त होती है। तो जैसे सर्वप्रथम शरीर, शरीर से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, धीरे धीरे शरीर से सेवा करते जाते करते जाते करते जाते, तो शरीर की से शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करते 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 धीरे धीरे मन की शुद्धता होने लगती है। किसकी शुद्धता होने लगती है, मन की शुद्धता होने लगती। अब मन के द्वारा भगवान की सेवा करते, शरीर और मन के द्वारा भगवान की सेवा करते 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 धीरे धीरे बुद्धि की शुद्धता होने लगती है। अब शरीर मन और बुद्धि से भगवान की सेवा करते 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 इंद्रियों की शुद्धता होने लगी। तो ऐसे ही प्रकार से भिन्न भिन्न स्तर पे भिन्न भिन्न प्रकार की शुद्धता होती है, परंतु तो शुद्धता निश्चित होती है जब भगवान की सेवा में लगे, इस प्रकार से शुद्धता होती रहती है। अब
एक मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया को अशुद्ध करता कौन है? हमारा तो कभी भाव नहीं रहा इनको अशुद्ध करने का, हम तो कैसे बैठे आए दिन आराम से और सोचे चलो इनको सबको अशुद्ध करते हैं, ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, गुड पीपल, डिसेंट है, जेंटलमैन है, हम तो कभी सोचा नहीं अशुद्ध करने का। तो अशुद्ध इनको किसने किया? जब इनके प्रति हमारे अंदर ममत्व का भाव है, कौन सा भाव है? ममत्व, पॉसेसिव हो जाते हैं हम इनके प्रति। किनके प्रति? शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया, इनके प्रति हम क्या हो जाते हैं? मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये तो मेरा है, तो बेस्ट होना चाहिए, तो इससे तो मुझे एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, मेरा शरीर, मेरा शरीर, ममत्व हो गया शरीर के साथ, ममत्व हो गया। जरा भी सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है मेरा शरीर। जब इनके प्रति हमारा ममत्व बढ़ता है तो इसी के कारण ये अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया संग त्यक्त्वा, इसीलिए कौन सा शब्द कहा गया है? संग त्यक्त्वा। संग त्यक्त्वा हो गया तो अशुद्धता का कोई कारण ही नहीं है, संग त्यक्त्वा होता नहीं है, नहीं होता इसलिए अशुद्ध रहते। तो भगवान ने उपाय असाधारण बताया, यदि हम लोग सतयुग में ऐसे बैठे हुए होते तो भगवान ने शायद ये उपाय नहीं बताया। भगवान ओ इंद्रिया शरीर अशुद्ध हो गया, ओ मन अशुद्ध है, ओ चलो अभी हिमालय में जाके एक महीने पे खड़ा होना है 50,000 वर्षों तक, ऐसा बोलते थे भगवान सत्य युग में। अब हम कलयुग में, तो कलयुग में आसान है, इजी है, ऐसे कर्म करो जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करो। सिंपल शब्द में कहा जाए शास्त्र के आधार पर कर्म करो, शास्त्र के आधारित कर्म करो, भगवान को केंद्र में रखो। तो इस प्रकार से भक्त इन सब बातों को जानते हैं, भक्त जो कहा गया ये जानते, भगवान ही तो कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो ये सब इस प्रकार से करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भक्त ये जानते हैं, क्या जानते हैं? फिर से एक बार पूछता हूं, शरीर चारों को याद रखो, हमारी ये याद रखो, कौन कौन है चार? शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और इनसे एसोसिएटेड एक है वो है वाणी, है ना, लैंग्वेज हमारी। सो ध्यान रखिए एक वशपुर रही इनके बारे में। अब ये दूसरों को वश मत करिए, दूसरों का शरीर, दूसरों का मन, दूसरे की बुद्धि, दूसरे की इंद्रिया, ये वॉच नहीं करना है, इसमें तो अनर्थ हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। किसका करना है? अरे अब वो ऐसा ही दिखता है, अरे हम कैसे दिखते हैं वो देखो, अपना सोचो, अरे वो तो बहुत इगोइस्ट है, अरे वॉच योर ईगो, अपना ही स्वयं का ईगो वॉच करना है, अपना ही स्वयं का पूरा शरीर ना बुद्धि इंद्रिया वॉच करना है, इसलिए कि हम अपग्रेड हो रहे कि नहीं हो रहे ये देखने के लिए वॉच करना है, हमारा परिवर्तन उच्च कोटि का हो रहा है कि निम्न स्तर पे जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे कि डिग्रेड हो रहे, इसलिए वॉचफुल होना है। सो ये इनको ध्यान में रखिए। सो भक्त ये सब जानते हैं, और जब भक्त ये सब जानते हैं तो वो शरीर के आलस में, मन के छल में, बुद्धि के तर्क में, इंद्रियों के भ्रम में फंसता नहीं है। शरीर के आलस में, मन के छल में, बुद्धि के तर्क में, इंद्रियों के भ्रम में फंसता नहीं है। कौन? आप हैं।
भक्त दुखना भक्त है, भगवद गीता को समझ रहे हैं। तो जो भक्त होते हैं वो इसमें इन बातों में नहीं फंस सकते। So, इसलिए वो अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों को उच्च कोटि के स्तर पे ले जा सकते हैं। कौन क्या कर सकते हैं? किसको? शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों को उच्च कोटि के स्तर पे ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कितना बड़ा सीक्रेट भगवान ने इसमें बताया इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से। सो थोड़ा सा विचार ऐसे भी करना चाहिए, अशुद्धता नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचे ये जो चारों के चारों ये अपने कहाँ हैं? है अपने है? शरीर अपना है? यदि आप स्वामी की दृष्टि से देखें, स्वामी की दृष्टि से देखें तो शरीर के स्वामी कौन है? शरीर के क्या ये सब के स्वामी कौन है? चारों के स्वामी कौन है? स्वामी की दृष्टि से यदि देखें, मैं बोलता हूं मेरा शरीर मेरा शरीर, मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि, लेकिन दादा की बुद्धि बुद्धि वो भी बुद्धि उन्होंने दिया है, शरीर भी उन्होंने दिया है, उनके अध्यक्ष में प्रकृति संचालित होती है, सब तो उन्होंने दिया है, वही तो ओनर। स्वामी के दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी तो कृष्ण है, प्रभाव के दृष्टि से देखेंगे तो इन सब का इन सब के ऊपर प्रभाव तो गुरु का है, तथा प्रकृति का है कि नहीं? प्रभाव किसका है? तीन गुणों का, प्रकृति का है, तो प्रभाव के अनुसार तो ये प्रकृति के है। चार स्वामी यदि देखा जाए तो भगवान है, और फिर क्या बचता है? क्रिया, कार्य की दृष्टि से देखे तो कार्य कहां करते हैं, क्रिया कहां होती संसार में, तो क्रिया के दृष्टि से देखेंगे तो ये सब संसार के हैं, गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब प्रकृति के हैं, और स्वामी की दृष्टि से देखेंगे तो ये सारे के सारे भगवान के हैं। हमारा है क्या? कुछ नहीं है। अननेसेसरी हम ममत्व अटैच हो जाते हैं। तो जिसका है उसके सेवा में लगाओ, ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो भगवान का है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, भगवान की सेवा में लगाओ। सो किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, ये थोड़ा सा इनमें ममत्व रखना, ये एक बड़ी भूल हो जाएगी। दिस इज बिग मिस्टेक, बड़ी भूल हो सकती। So, इसीलिए इस श्लोक में एक शब्द आया है, वो क्या है? केवल ही, केवल ही ये शब्द आया है। केवल ही ये शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना। तो ममत्व को मिटाने के लिए केवल ही, अर्थात ममत्व से हमको अपने आप को बचाना है, ममत्व को मिटाना है तो अपने सारे इन चारों को शुद्ध करना। और शुद्ध कैसे होते हैं? भगवान जैसे आंख के लिए, आंख जब कुछ देखता है, जैसे अभी वो दरवाजा आंख मेरी देख रही है, वो दरवाजा क्या है? दृश्य है। दरवाजा क्या है? दृश्य है। और दृष्टा कौन है? आंख, आंख देख, आंख के द्वारा। तो दरवाजा दृष्टा है, दरवाजा दृश्य है, आंख दृष्टा है। अब आंख को कौन देख रहा है? मन देख रहा है। तो यहां पे आंख दृश्य है, मन दृष्टा है, मन दृष्टा है। क्लियर है यहां तक? आंख को कौन देखता है? मन देखता है ना, तो मन। अब बुद्धि के लिए मन दृश्य है, वो देखते रहिए क्या क्या बढ़िया जाग उठता रहता है, तो देखते रहिए, बाद में वो डिसाइड करते हैं क्या कट करना है क्या करना है। बट मन किसकी दृष्टि में है?
बुद्धि, इसमें दृश्य मन है, दृष्टा बरोबर है ना। अब बुद्धि किसके लिए दृश्य है? आत्मा। ऐसे विवेक कहते हैं लेकिन आत्मा, विवेक के आगे आत्मा, तो आत्मा, इसमें आत्मा दृष्टा है और बुद्धि दृश्य है। और आत्मा के लिए आत्मा दृश्य है, परमात्मा दोनों एक ही स्टेप पे बैठे हैं लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो पाते। किसी का हो जाता है, आत्मा प्राय परमात्मा के दृष्टिक्षेप में नहीं आता है, वो इनकी दृष्टिक्षेप में आते हैं प्राय चेतना के माध्यम से। तो आत्मा किसके लिए दृश्य है? परमात्मा। परमात्मा दृष्टा है और परमात्मा दृश्य है किसके लिए? भगवान। वो सब देख रहे हैं भगवान, सब भगवान का विराट रूप है, भगवान भगवत गीता जी दिखाएंगे उसमें सारे आत्मा ब्रह्म परमात्मा सब सर्वव्यापी सर्वव्यापी भगवान। तो भगवान तक हम जा सकते हैं, बस केवल क्या करना है, जब हम कुछ देखते हैं दृश्य, जब आप दृष्टा हो जाता है तो वो तुरंत मन को कंसल्ट करना चाहिए, वो तो करता ही है लेकिन मन के आगे जाना, आगे कंसल्टेशन बंद हो जाता है माइंड के आगे कंसल्टेशन बंद हो जाता है और इसलिए हमारे अंदर ममत्व बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, अशुद्धता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, शुद्धता नहीं हो पाती, ममत्व बढ़ती। मन क्या करता है फिर? मन फिर अपना जान भूलना शुरू करता है। मन क्या करता है हमको बुरी तरह से छल में ले लेता है, छल करते रहता है हमारे साथ। और वो छल कब तक करता है? जब तक हम जीवित है तब तक। सो मन को तुरंत बुद्धि की ओर जाना चाहिए, बुद्धि ने तुरंत आत्म चेतना की ओर जाना चाहिए, चेतना तो आत्मा की, आत्मा तो परमात्मा की कनेक्शन में, परमात्मा तो भगवान के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आत्मा परमात्मा और भगवान ये चिन्मय तत्व हमारे अंदर है, तो ये भगवान की विस्तृत रूप है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा एक भगवान का विशेष अवस्था में एक्सपांशन, ब्रह्म भगवान का विशेष अवस्था में एक्सपांशन। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं इसलिए आज उसी चर्चा हम नहीं करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय।